लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ फर्स्ट द कॉन्टेंट्स इन्वायमेंटल रिजिस्टेंस द कैरिंग कैपेसिटी लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ फर्स्ट द एन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस स्टूडेंट हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉपुलेशन ग्रोथ या हम पॉपुलेशन ग्रोथ के ऊपर बात कर रहे हैं सो पॉपुलेशन ग्रोथ में एक है कि बायटेक पोटेंशियल के पॉपुलेशन आपके तौर पर कितने उसके अंदर पोटेंशियल है जिस से वो ग्रो कर सकती है लेकिन जितना किसी एनिमल के अंदर पोटेंशियल है रिप्रोड्यूस करने का वो एट ऑल टाइम्स वो उस पोटेंशियल को फुली यूटिलाइज नहीं कर सकता क्योंकि डिफरेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं फ़र्ज करें सपोज़ एक ड्रसोफिला या कोई वो इंसेक्ट है विच हैव एबिलिटी टू प्रोड्यूस फिफ्टी एग्स लेकिन अगर उसको फूड अवेलेबल नहीं है टेम्परेचर सूटेबल नहीं है तो वो फिफ्टी एग्स प्रोड्यूस नहीं करेगी बल्कि उसकी एग प्रोडक्शन क्या ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी कम हो जाएगी तो इस तरह से इन्वायमेंटल रजिस्टेंस से मुराद आल दो फैक्टर्स आल दो कंस्ट्रेंस विच लिमिट द रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल ऑफ एनिमल्स जो एनिमल्स का जो रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल होता है उसको क्या करते हैं वो लिमिट करते हैं उसको जो है वो कम करेंगे इन तमाम फैक्टर्स को हम क्या करते हैं दे आर दी इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस इसमें हमारे पास इंपॉर्टेंट थिंग द क्लाइमेट क्लाइमेट के अंदर हमारे पास टेम्परेचर आ जाएगा बाकी इन्वायरमेंटल कंडीशन रेन आ जाएगी सन सन लाइट आ जाएगी द क्लाइमेटिक कंडीशन अवेलेबिलिटी या फूड फूड की अवेलेबिलिटी कितनी है स्पेस क्या एनिमल को रिप्रोड्यूस करने के यंग वन को रियर्स करने के लिए रियरिंग के लिए स्पेस अवेलेबल है या नहीं है तो ऑल दीज आर दी इन्वायरमेंटल कंस्ट्रेंट एन्वायरमेंटल कंस्ट्रेंट या इसको तो टोटल तो 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 हम क्या कहते हैं इट इज़ अन्वायरमेंटल रजिस्टेंस है सो इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस की वजह से जो एक्सपोनशियल ग्रोथ है वो कभी भी अपनी फुल स्पीड के साथ नहीं होगी बल्कि एनिमल अपने हमेशा अपनी एक्सपो एनोनेशियल ग्रोथ से कम स्पीड के साथ अपनी पॉपुलेशन इंक्रीज करेंगे अदर टर्म इज़ द कैरिंग कैपैसिटी कैरिंग कैपैसिटी किसी भी इन्वामेंट के अंदर मैक्सिमम इंडिविजुअल को सपोर्ट करने की सलाहियत है जैसे अगर हम देखें अगर हमारे पास एक कार है तो कार के अंदर मैक्सिमम जब फोर टू फाइव परसेंट बैठ सकते हैं तो फो इस मतलब कार की कैरिंग कैपैसिटी कितनी है 4 टू 5 परसेंट हैं अगर एक बाइक है तो बाइक के ऊपर 2 परसेंट कैरिंग कैपैसिटी है उसकी इसी तरह से जो इन्वायरमेंट है नेचुरल रिसोर्स है नेचुरल इन्वायमेंट के अंदर इको सिस्टम की खास कैपेसिटी है कि जिस के खास लिमिट तक वो क्या कर सकता है कि एनिमल्स को सपोर्ट कर सकता है पॉपुलेशन को सपोर्ट कर सकता है तो इको सिस्टम के किसी भी पॉपुलेशन को सपोर्ट करने की जो एबिलिटी है मैक्सिमम दैट इज कॉल्ड इट्स कैरिंग कैपेसिटी कैरिंग कैपेसिटी इज सिंबलाइज बाई द के कैरिंग कैपेसिटी को हम आम, आमतौर पर क्या करते हैं कि के से रिप्रेजेंट करते हैं अच्छा यहाँ थोड़ा सा इसमें देख लें कैरिंग कैपेसिटी जो है ये एक बैरियर है अगर कोई पॉपुलेशन रेपिडली इंक्रीज कर रही है तो ऑटोमेटिकली या वो कैरिंग कैपेसिटी को क्रॉस करेगी एक इको सिस्टम हंड्रेड एनिमल्स को सपोर्ट कर सकता है पॉपुलेशन के और वहाँ उस इको सिस्टम के अंदर टू हंड्रेड एनिमल्स आ जाते हैं तो अल्टीमेटली जो वन हंड्रेड अजाफी एनिमल्स हैं इधर दे हैव टू डाई आउट या वो वहाँ से डाईट वो डाई आउट कर जाएंगे आर दे हैव टू माइग्रेट फ्रॉम दैट इन्वायरमेंट या फिर उनको क्या करना है कर उसको माइग्रेट करना है पड़ेगा वहां से कैरिंग कैपेसिटी को सामने रखते हुए एक ग्रोथ कर्व ड्रॉ की जाती है दैट इज लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व या लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ से मुराद यह है कि वो पॉपुलेशन ये वो पॉपुलेशन ग्रोथ है जिसको इन्वामेंट जो फैक्टर्स होते हैं उसको क्या है? जो कैरिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग जो है क्या करेंगे ग्रो तो आमतौर पर लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ में एक पॉपुलेशन जो है वो एक खास एक्सपोनेंशियल स्पीड से बढ़ती जा रही है लेकिन जैसे ही वो कैरिंग कैपेसिटी के तक पहुंचेगी ऑटोमेटिकसिव तो ग्रोथ जो है वो कम हो जाएगी तो इसको हम क्या कहेंगे कि अब एक्सफाइनेंशियल स्पीड से बढ़ते हुए अचानक से कैरिंग कैपेसिटी के तक पहुंचने के बाद ग्रोथ का कम हो जाना तो हम क्या कहेंगे ये क्या है ये लॉजिस्टिक ग्रोथ है ये लॉजिस्टिक ग्रोथ पैटर्न है क्योंकि जितनी लॉजिस्टिक थी जितना बोझ उठाने की सलाहियत थी इन्वायरमेंट में वो पूरी हो गई है सो so, लॉजिस्टिक जो ग्रोथ है इट एक्चुअली लिमिट्स द पॉपुलेशन साइज रे पॉपुलेशन साइज को लिमिट करता है ये बताता है कि एन्वायरमेंट के अंदर रिसोर्सेज वो लिमिटेड अमाउंट में मौजूद हैं इनडेफिनेटली पॉपुलेशन ग्रो नहीं कर सकती है लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ को जब हम देखते हैं दे आर डिफरेंट पैटर्न वन द एस शेप ग्रोथ पैटर्न अदर वन द जे शेप ग्रोथ पैटर्न एस शेप ग्रोथ पैटर्न एक ऐसा लॉजिस्टिक पैटर्न है ग्रोथ का जिसमें नॉर्मली द एनिमल्स दे इंक्रीज इन देयर पॉपुलेशन बट एज दे

कैरिंग कैपेसिटी के बराबर चलेगी अब ये कैरिंग कैपेसिटी को क्रॉस नहीं करेगी सेकंड पैटर्न इज द जे शेप कर्व जे शेप कर्व में क्या है कि तो जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज कर रही है इतनी स्पीड से इंक्रीज कर रही है कि वो जो कैरिंग कैपेसिटी के है ये उसको भी क्रॉस कर गई है जैसे कैरिंग कैपेसिटी के थी हंड्रेड की और पॉपुलेशन बढ़ते बढ़ते वन फिफ्टी तक पहुँच गई है अब क्या होगा कि जो एडिशनल पॉपुलेशन है अब उसकी डेथ होगी और वापस दोबारा वो कैरिंग कैपेसिटी के तक आएगी से इंक्रीज एंड देन डिक्रीज और टाइम ये एक फ्लक्चुएशन होती रहती है पॉपुलेशन कैर कैपेसिटी ज्यादा होती है फिर डेथ होगी कम हो जाएंगे फिर बढ़ेंगे फिर कम होगी तो एक वेव की फॉर्म में ये चलेंगे एर वी हैव डायग्राम ये जो डायग्राम्स के अंदर आप फर्स्ट वन आपके पास है ये एस शेप लॉजिस्टिक ग्रोथ है एस शेप पॉपुलेशन लॉजिस्टिक ग्रोथ में आप देख सकते हैं कि पॉपुलेशन शुरू में स्टेटिक है फिर बढ़ना शुरू हुई है फिर अल्टीमेटली ये कैरिंग कैपेसिटी के से पोल तक पहुंचने से पहले पहले ही क्या हो गया लेवल ऑफ हो गई है यानी एक बिल्कुल स्ट्रेट हो गई है तो ये जो ब्रॉड लाइन है ये क्या कर रही है एस शेप एक स्ट्रेट एस बनता है टिपिकल एस नहीं बनता बल्कि एक स्ट्रेट एस बनता है जिसको हम क्या कहते हैं कि एस शेप लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व है सेकेंड वन हमारे पास दैट इज द जे शेप जे शेप में आप देखें तो शुरू में पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है इवन कैरिंग कैपेसिटी को भी पॉपुलेशन क्रॉस कर गई है कैरिंग कैपेसिटी को क्रॉस करने का मतलब है कि जो अब अजाफी एनिमल पैदा हो गए हैं दे हैव टू डाई आउट और दे हैव टू माइग्रेट अब रिजल्ट क्या होगा या वो डाई आउट कर जाएंगे या माइग्रेट करेंगे तो अल्टीमेटली वो पॉपुलेशन फिर कम होगी इतनी कम होगी वो कैरिंग कैपेसिटी से भी नीचे आ जाएगी अब इसका रिज़ल्ट ये होगा वो फिर बढ़ेगी फिर कम होगी तो इस तरह से एक खास पैटर्न जो है वो चलता चला जाता है या फिर सम टाइम ये होता है कि पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुई उसके बाद ये पॉपुलेशन स्टेबल हो जाएगी तो ये लाइक -like भी हो सकती है या फिर ये बिल्कुल स्टेबल फॉर्म में भी जाएगी तो बहरहाल जे शेप का पहचान ये है कि जे शेप में जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो कैरिंग कैपेसिटी को क्रॉस करके ऊपर चली जाती है जबकि एस शेप में ये कैरिंग कैपेसिटी को क्रॉस नहीं करती पॉपुलेशन हमेशा कैरिंग कैपेसिटी के अंदर ही रहती है